हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनीटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है एवरी ईयर। और टॉपिक जो हमारा है वो है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो चाहे नीट वाले बच्चे हैं या वो टीजीटी पीजीटी जीआईसी वाले बच्चे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। जो मैं यहाँ पर पार्क के नाम बताऊँगा आपको, तो उन स्पेसिफिक नेशनल पार्क्स में से क्वेश्चन हर बार आ जाता है, तो मैंने वही नेशनल पार्क्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो आज तक, वो चाहे नीट है या टीजीटी पीजीटी जीआईसी वाले बच्चे हैं, उनके एग्जामिनेशंस में आया है। तो वही क्वेश्चन, वही मैंने यहाँ पर कंटेंट उठाया है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस मई 2019 के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें जो भी नेशनल पार्क्स है, तो वो जो नेशनल पार्क है वो लगभग 40,501.13 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं। 40,501.13 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और ये जो एरिया है ये हमारे नेशन के जियोग्राफिकल एरिया के 1.23% एरिया के बराबर है, तो इतना एरिया ये कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा है, नेशनल पार्क, जिम नंबर वन इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन पूछते कैसे हैं कि ये वाला पार्क कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर लोकेट है, या इसका जो टारगेट है किस पर्टिकुलर एनिमल को रिजर्व करने का टारगेट इसका है। तो देखिए, वैसे तो सभी पार्क्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती है एनिमल्स की, तो उनमें से कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज को ज़्यादा फोकस किया गया है उनको रिजर्व करने के लिए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं जो पर्टिकुलर एनिमल्स को ज़्यादा फोकस करके उसको रिजर्व करने के लिए उसको फोकस किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर आता है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो नेशनल ये जो पार्क है ये नैनीताल उत्तराखंड में है, और इसका जो टारगेट है वो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के लिए माना जाता है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इंडिया में ये जो नेशनल पार्क है ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1936 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इस नेशनल पार्क का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 520 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसको ओल्डेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। और नंबर टू नेशनल पार्क हमारा क्या है, अभी मैंने जो बताया आपसे वो किसके बारे में बताया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताया है। तो उस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो है नैनीताल में है, और इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसका जो टारगेट है वो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की कैटेगरी में आता है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्क क्या है हमारा, नंबर टू दुधवा नेशनल पार्क। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ प्रजेंट है, कहाँ लोकेटेड है, वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, आपने सुना होगा, तो बड़ा फेमस है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है।
और ये भी टाइगर रिजर्व के लिए फेमस तो है, और साथ में ये स्वैम्प डियर के लिए भी फेमस है। तो कहाँ होगा? यूपी में लखीमपुर खीरी में होगा, दुधवा नेशनल पार्क। तो इसको आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। वो किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट पार्क हमारा क्या आ जाएगा, नंबर थर्ड, कान्हा नेशनल पार्क। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, TGT PGT में भी आ चुका है और नीट एग्जाम में भी आ चुका है। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसको हम किसिल नेशनल पार्क नाम से भी जानते हैं, कान्हा किसिल नेशनल पार्क से भी पूछ लेते हैं। ये भी टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। इसको कान्हा नेशनल पार्क माना जाता है और ये बारहसिंघा के लिए भी फेमस है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, उन सभी में बिगेस्ट टाइगर नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपका आंसर तब भी कान्हा नेशनल पार्क आएगा, केवल टाइगर के लिए बोल रहे हैं। अगर टाइगर बिगेस्ट टाइगर नेशनल पार्क की बातें आती है तो आप कान्हा नेशनल पार्क को टिक करेंगे, तो ये एक बिगेस्ट टाइगर नेशनल पार्क की कैटेगरी में आता है। और पूरे मध्य प्रदेश का ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो नंबर फोर्थ पर क्या आ जाएगा हमारा, गिर नेशनल पार्क, बड़ा फेमस है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गिर नेशनल पार्क, गिर और जी से ही गुजरात, तो ये गुजरात में लोकेटेड है। कुछ एरिया है वहाँ पर, जूनागढ़ है और गिर सोमनाथ है और अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इस एरिया में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। और ये किस पर्पज़ के लिए फेमस है? ये जो एशियाटिक लोयंस है, जो एशियाटिक लोयंस है, एशिया में जो लोयंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेमस है, नहीं दैट मीन्स लोयंस रिजर्व के लिए फेमस है। तो जिसको बब्बर शेर या रॉयल किंग भी कहते हैं, बब्बर शेर या रॉयल किंग भी कहते हैं, तो उसके लिए फेमस है। तो गिर नेशनल पार्क लोकेटेड एट गुजरात। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर, और नेक्स्ट नेशनल पार्क हमारा क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है, कुछ एरिया है वहाँ पर, जैसे गोलाघाट है, कार्बी है और नागांव है, उन डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है उस एरिया में। और बड़ा फेमस है, इंडिया में ऐसी स्पीसीज है जो वर्ल्ड में फेमस है, तो किसके लिए है? मैंने दिखाया है किसके लिए है, यहाँ पर वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसिरोस रिजर्व के लिए फेमस है, एक सींग वाला राइनोसिरोस के लिए। और बाकी और भी एनिमल्स यहाँ पर हैं, एलिफेंट के लिए भी फेमस है, टाइगर के लिए भी फेमस है, पैंथर्स के लिए, बियर्स के लिए, लेकिन जो कॉमनली हम माने कि मेन पर्पज़ क्या है, जो एक लिमिटेड स्पीसीज है वर्ल्ड के अंदर, तो उसको इसने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, मतलब रिजर्व करके रखा है, सॉरी। तो वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसिरोस रिजर्व के लिए बड़ा फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क एट आसाम। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर हम चलते हैं, केदारनाथ नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में है केदारनाथ नेशनल पार्क। और ये भी बड़ा मतलब इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिजर्व एनिमल्स है, मस्क डियर के लिए फेमस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मस्क डियर रिजर्व के लिए फेमस है। तो केदारनाथ नेशनल पार्क लोकेटेड एट उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्क की तरफ, नेक्स्ट पार्क क्या है, डाचीगम नेशनल पार्क। तो डाचीगम नेशनल पार्क होता है वो कश्मीर में है, और स्पेसिफिक एनिमल है जो कश्मीर में ही मिलते हैं, कश्मीर स्टैग बोलते हैं या उनको हंगुल भी कहते हैं, उनको हंगुल भी कहते हैं, ये इनडेंजर्ड स्पीसीज है, तो उनको बचाने के लिए, उनको रिजर्व करने के लिए इस नेशनल पार्क का टारगेट है। तो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कश्मीर स्टैग, इसको हम हंगुल भी कहते हैं, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नंबर 8 पर, सुंदरबन नेशनल पार्क।
वेस्ट बंगाल में है, इम्पोर्टेंट है, और बंगाल टाइगर के लिए, ये बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। सुंदर वन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और बंगाल टाइगर के लिए इम्पोर्टेंट है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो गैंग्स डेल्टा है वहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है उसके लिए भी फेमस है। ऑल्सो फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर का जो क्रोकोडाइल है उसके लिए भी फेमस है, वो भी वहाँ पर मिलते हैं। और जो डॉल्फिन्स है गैंग्स रिवर्स में उसके लिए भी फेमस है, और हूज टर्टल्स के लिए भी फेमस है। लेकिन मेन पर्पज़ क्या है, बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए ये फेमस माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा पार्क क्या होगा, नंबर 9th सिरिस्का नेशनल पार्क। सिरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में प्रजेंट है, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में प्रजेंट है, और ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, उसके रिजर्व के लिए, और बाकी और भी एनिमल्स हैं वहाँ पर जो मतलब रिजर्व किए गए हैं, जैसे लियोपॉर्ड है, जंगल कैट है, चीतल है, सांबर डियर है, और रोसेस मंकीज है, और फोर हॉर्न्ड डियर है, चार सींग वाले हिरन भी है यहाँ पर, उसके लिए भी फेमस है। तो नेक्स्ट हमारा पार्क क्या आ जाएगा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। जो चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में है, है ना, और जो ईस्ट रीजन है, जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर ये लोकेटेड है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वाराणसी के पास में है, तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये है। और इसका भी जो पर्पज़ है, ये चीतल, ब्लैक बक्स, सांबर, नीलगाय, पोरक्यूपिन, चिंकारा, घड़ियाल, पाइथन एक्सेट्रा के लिए फेमस है, उनके रिजर्व के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पार्क क्या है, पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला में है, और किन के लिए फेमस है, मैजेस्टिक एलिफेंट, रॉयल टाइगर के लिए फेमस है, फिशेज, रेप्टाइल्स और बर्ड्स इनके रिजर्व के लिए फेमस है, पेरियार नेशनल पार्क केरला। 12th में क्या है, मानस नेशनल पार्क बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ है, मानस नेशनल पार्क आसाम में है, बक्सा चिरांग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है। इसका भी जो टारगेट है वो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, और भी एनिमल्स वहाँ पर है जिनके लिए फेमस है, एलिफेंट है, गोल्डन लंगूर है, रेड पांडा है, उनके लिए भी फेमस माना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ये जो मानस नेशनल पार्क है इसका नाम क्यों रखा, एक्चुअल में आसाम में एक रिवर है मानस रिवर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो उसी के पास से होके जाती है, तो नेम्ड आफ्टर अ रिवर इन आसाम, क्या नाम है, मानस रिवर के नाम से। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए जो मैंने अभी तक नेशनल पार्क बताए हैं उनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं कभी ना कभी, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर दो नेशनल पार्क एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, हो सकता है उनमें से क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वही मैंने यहाँ पर रखा है नंबर 13 पर, कौन है, हेमिस नेशनल पार्क, और कहाँ लोकेट है, जम्मू कश्मीर में, बट अभी ये लद्दाख में है, तो लद्दाख स्टेट में अभी ये माना जाता है क्योंकि लद्दाख स्टेट अब अलग हो गया है, तो जम्मू कश्मीर पहले हम कहते थे, अब ये लद्दाख स्टेट में है। हेमिस नेशनल पार्क किस पर्पज़ के लिए है, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर्स ऑफ क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लियोपोड्स है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्नो लियोपोड्स इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं, और इसको पूरे इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो और नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर 14th साउथ इंडिया, द साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, द साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ये मैंने नाम क्यों रखा,
ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में आता है, वहाँ पर लोकेट है। और किस बात के लिए फेमस है, किस अंडमान निकोबार आइसलैंड में है और किस बात के लिए फेमस है, शैलो वाटर कोरल रीफ्स जो सिलेंट्रेट्स की होती है विद हाई विजिबिलिटी, आसानी से दिख जाती है ना, तो इसके लिए फेमस है। और इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि पूरे इंडिया का ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, पूरे इंडिया का ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। बाकी और किसके लिए भी फेमस है, स्कूबा डाइविंग के लिए और स्नॉर्केलिंग के लिए भी फेमस है। तो और ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क में आता है, लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरियाज का माना जाता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट अप करें कि मतलब सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ मिलते हैं इंडिया के अंदर, किस स्टेट में मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क होते हैं मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं इंडिया के, मैक्सिमम नेशनल पार्क्स। अगर आपसे ये पूछे कि इंडिया में लगभग कितना परसेंट टाइगर्स मिलता है वर्ल्ड का, तो मैंने बता दिया है कि वो लगभग 80% टाइगर्स अकेले इंडिया में मिलता है पूरे वर्ल्ड का ना। तो करंटली होस्ट भी कर रहा है लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन को, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मिलते हैं पूरे इंडिया के, सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। तो जो भी मैंने यहाँ पर नेशनल पार्क के नाम दिए हैं उनमें से ही क्वेश्चन आना है, अभी तक उनमें से ही क्वेश्चन आए हैं जो भी आए हैं। कभी कभी लार्जेस्ट नेशनल पार्क पूछेंगे या स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क पूछेंगे, तो आपको बता देना है जो लार्जेस्ट है वो हेमिस नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में बोलते हैं। उसका एरिया लगभग 4,400 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है, इसको स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क बोला जाता है, जिसका एरिया मुश्किल से 5 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये सब बातें आपको माइंड में रखनी है। तो आज के लिए जो हमने कंटेंट बताया है आपको वो क्या है, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन पूरा पक्का आने की संभावना इस वाले कंटेंट में से है। तो फिर से हम नई क्लास के साथ आएंगे, नए कंटेंट के साथ में। और जिन बच्चों ने अभी तक बायोनेटा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।